क्या दोस्तों आपके भी वीडियो पे व्यूज नहीं आता है, 10-15 व्यूज आता है, 100-200 व्यूज आता है और आपके वीडियो का व्यूज आना रुक जाता है, तो YT स्टूडियो के अंदर का सीक्रेट ट्रिक आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर मैं YT स्टूडियो को ऑन करके यहाँ पर ऑडियंस पे आ गया। ऑडियंस पे आने बाद देखो यहाँ पर कुछ चैनल शो हो रहा है, जैसे कि मनोज का चैनल, अरविंद जोर का चैनल, टेक चैनल सपोर्ट का चैनल, क्रिएटर सर्च का चैनल, और भी यहाँ पर देख सकते हो मेरी कैटेगरी के बड़े बड़े जो यूट्यूबर है जिनकी वीडियो बच्चा का सभी आता है वो सारा चैनल यहाँ पर आ रहा है। अब ये सारा चैनल मेरे YT स्टूडियो में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं इन लोग का जो व्यूज है ना उसको मैं अपने चैनल पर चोरी कर रहा हूँ। मैं इन लोग का जो व्यूज है उसको चोरी करके अपने वीडियो पे व्यूज लेकर आ रहा हूँ, और ये जितने भी बड़े क्रिएटर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे लोग भी बड़े बड़े क्रिएटर का व्यूज को चोरी करते हैं, जिसके कारण इन लोग का चैनल ग्रो हो रहा है। अगर आप यूट्यूब पर आए हो तो आपको भी व्यूज को चोरी करना पड़ेगा, तभी आपके वीडियो में व्यूज आ पाएगा, तभी आपका चैनल की ग्रोथ हो पाएगी। जब आपके वीडियो में व्यूज आने लगेगा ना तो ऑटोमेटिक आपके चैनल पर सब्सक्राइबर बनना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको YT स्टूडियो को यूज करके आपको व्यूज को चोरी करना है और आपको अपने वीडियो में व्यूज लाना है। दोस्तों इस वीडियो को देख लोगे ना तो आपको मैं फुल गारंटी देता हूँ कि आपका जितना व्यू अभी आता है ना उससे कई गुना ज्यादा आपके व्यूज आने लगेगा इस वीडियो को देखने बाद। लेकिन आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपके वीडियो में व्यूज आ पाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बिनर देखते तो भैया जी बिनर इनका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप भी चाहते हो इस तरह से प्रमोट करवाना तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर जाते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप भी बिनर बन जाओगे आपका चैनल प्रमोट कर दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम अपने फोन की स्क्रीन पर आके YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ऑन कर लिया। अब दोस्तों YT स्टूडियो एप्लीकेशन की मदद से आपको अपने वीडियो पर व्यूज कैसे लाना है तो हम ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखो मेरी इस वीडियो पर 2.9 मिलियन व्यू है, इस वीडियो पर देख सकते हो 1.1 मिलियन व्यू है, इस वीडियो पर भी 1.1 मिलियन है, इस वीडियो पर भी 1.1 मिलियन व्यू है। मतलब कि आपको बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पर दिखाई दे रहा है जो कि मैं वायरल करवाया हूँ, मिलियंस में व्यू लेकर आया हूँ, और बहुत सारा वीडियो पर लाखों में व्यूज है, आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों मैं इतना सारा वीडियो को कैसे वायरल करवाया हूँ, कैसे व्यूज लेकर आ रहा हूँ हम ध्यान समझिएगा। दोस्तों देखो इस वीडियो पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक किया। अब इस वीडियो पे देखो कितना व्यूज है, 1.1 मिलियन व्यू है। अब इतना ज्यादा व्यूज मैं कैसे लेके आया हूं देख सकते हो। यहां पर मैं आ जाता हूं रीच पे आ गए हैं। रीच पे आने बाद देखो यहां पर इंप्रेशन मेरे इस वीडियो का 18 मिलियन इंप्रेशन गया है। क्यों गया है? क्योंकि मैं व्यूज को चोरी कर रहा हूं। कैसे चोरी कर रहा हूं आपको दिखा देता हूं। ये देखो यहां पर ब्राउज फीचर से 43% व्यू आया और सजेशन से 25% आया। सर्च से देखो कितना है, 17% ही आया है, ज़्यादा व्यूज नहीं है। लेकिन अगर अपने वीडियो को सजेशन में आप भेज दिए तो आपके वीडियो पे ऑटोमेटिक ब्राउज फीचर से व्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको हम दिखाते हैं कि व्यूज़ को चोरी कैसे किया जाता है। तो आपको यूट्यूब को ऑन कर लेना है। देखो यूट्यूब को मैं भी ऑन किया हूँ, उसके बाद सर्च में जाते हैं। अब एग्जाम्पल मान लो कोई भी टॉपिक आपको हम सर्च करके दिखा देते हैं। इस तरीके से लिखते हैं हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब चैनल, इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर के ऊपर सर्च कर दिए। ठीक है, मान लो कोई बंदा अगर वीडियो देखने आएगा तो ये वीडियो सर्च में है, एक दिन में 26,000 व्यू है, और इस वीडियो पर 8 दिन में 40,000 व्यू है। मतलब कि सर्च में जो भी वीडियो आपको दिखेगा मतलब कि कोई खास व्यूज नहीं लेके आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो ध्यान से देखो यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक कर देंगे। कोई बंदा आएगा तो इस वीडियो को ही देखने जाएगा क्योंकि एक नंबर पे वीडियो सर्च में है। अब उसके बाद में देखो ट्रिक आपको कैसे लगाना है, व्यूज को चोरी कैसे करना है, ये चीज़ आप समझते हैं। तो देखिए ये वीडियो चल रहा है, अब इस वीडियो को थोड़ा सा सजेशन में आओगे देखो मनोज दी एक महीना में 3 लाख से ज़्यादा व्यू है। क्यों आया है? क्योंकि व्यूज़ को चोरी कर रहा है। बड़े बड़े क्रिएटर इस ट्रिक को लगाते हैं तभी उन लोग का वीडियो आपको सजेशन में दिखाई देता है। क्यों? ज़्यादातर बड़े लोग का वीडियो दिखाई देता है। देखो मनोज का ही वीडियो ज़्यादातर आ रहा है क्योंकि मनोज इस ट्रिक को जरूर लगाता है, एकदम दिमाग लगा के एकदम इस चीज़ कर देता है और हम लोग का वीडियो सजेशन में आता है, जिसके कारण हम लोग के वीडियो में व्यूज़ आता है। देखो यहाँ पर बहुत सारे आपको वीडियो सजेशन में सारा वीडियो दिखाई दे रहा है और ज़्यादातर वीडियो यहाँ पर मनोज का ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मनोज इस ट्रिक को जरूर लगाता है, मेरे को इतना मालूम है, तभी उसके वीडियो पर जाकर देखो इतना ज़्यादा व्यूज़ आ पाता है। अगर दोस्तों आप लोग भी इसी तरीके से जैसे ये वीडियो आ रहा है सजेशन में, अगर इस तरीके से अपने वीडियो को यहां पर लेके आ गए तो आपके वीडियो पे इतना ज्यादा व्यू आएगा जितना आप सोचे नहीं होगे। अब दोस्तों इस तरीके से अपने वीडियो को लाना कैसे ये चीज समझते हैं। तो दोस्तों आपको मैं प्रूफ दिखा दिया हूँ, जब तक आप व्यूज़ को चोरी नहीं करोगे जब तक आपके वीडियो में व्यूज़ नहीं आ पाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर मैं एक वीडियो को अभी अपलोड किया हूँ, अब इस वीडियो में अभी आपको मैं व्यूज़ बढ़ा के दिखाने वाला हूँ। दोस्तों देखो ये वीडियो अभी अनलिस्टेड में है, अभी इस वीडियो को अभी हम पब्लिश नहीं करेंगे। पब्लिश कब करेंगे? जब इस वीडियो के अंदर हम ट्रिक लगा देंगे। तो अभी अनलिस्टेड में ही ट्रिक लगाना है। कैसे लगाओगे ट्रिक एकदम ध्यान समझो, आपको यूट्यूब को ऑन कर लेना है। यूट्यूब को जैसे ऑन करिएगा उसके बाद में आप देखो चैनल का लोगो दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद साइड में थोड़ा करिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन इनग्रोटो, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे देखो YouTube पूरा फ्रेश होकर आ चुका है। आप दोस्तों आपको करना क्या है ध्यान समझिए, आपको देखना है कि आप कौन सा वीडियो बनाए हो। जैसे अभी मैं वीडियो जो बनाया हूं क्या है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, यानी कि सब्सक्राइबर के ऊपर वीडियो बनाए हुए। तो हम करेंगे क्या, YouTube पर आएंगे, YouTube पर आने के बाद सर्च पर जाएंगे और सर्च करेंगे अपने टॉपिक को इस तरह। तो जो भी टाइटल का आप टॉपिक बनाए हो ना उसको आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। देखो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, आप भी लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको दिमाग क्या लगाना है, ट्रिक क्या लगाना है, जिससे आपके वीडियो व्यूज आएगा। तो ध्यान से देखिए ये वीडियो एक नंबर में सर्च मारा है। ठीक है, एक नंबर वाले वीडियो को सजेशन में आपको अपने वीडियो को भेजना है, और जो दो नंबर पर वीडियो सर्च मारा है इस वीडियो को भी सजेशन में आपको अपने वीडियो को भेजना है, और जो तीन नंबर पर वीडियो आ रहा है सर्च में इस वीडियो को सजेशन में भी आपको अपने वीडियो को भेजना है। यानी कि जो ऊपर से दो तीन वीडियो सर्च मारा, अगर ये तीनों चारों वीडियो को सजेशन में अपने वीडियो को भेज दिए तो आपकी वीडियो पर व्यूज आएगा। जैसे ये वीडियो चल रहा है और इस वीडियो को यहाँ पर सजेशन
डिस्क्रिप्शन में देखो यहाँ पर अपने वीडियो को आपको भेज देना है इस जगह पे। अगर आ गया तो आपके वीडियो पे व्यूज आने स्टार्ट हो जाएगा। देख लो यहाँ पर नए नए यूट्यूबर का वीडियो यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हो ज्यादा व्यूज भी नहीं, 300 व्यू है लेकिन सजेशन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इन लोग ट्रिक लगा रहे हैं। अगर आप ट्रिक लगाओगे तो आपके वीडियो को यहाँ पर सजेशन में आप ला सकते हो। कैसे लाना है तो ध्यान समझिए। जैसे मान लो ये वीडियो एक नंबर में आ रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने बाद देखो यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस शेयर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पर देखो कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी लिंक पर आपको क्लिक करना है। इतना काम करने बाद आपको यहाँ से कट कर देना है। कट कर दोगे अब उसके बाद आप क्या करोगे, एकदम ध्यान समझो, आपको प्ले स्टोर को ऑन करना है। प्ले स्टोर को ऑन करने बाद आपको सर्च पे जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखोगे, ग्रो वीडियो एंड चैनल। इस तरीके से ग्रो वीडियो एंड चैनल करोगे सर्च, देखो इस तरह से एक एप्लीकेशन आ जाएगा। क्या नाम है एप्लीकेशन का? वाई टूल ग्रो वीडियो एंड चैनल। इससे आपका वीडियो भी ग्रो होता है, साथ में आपका चैनल भी ग्रो होता है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड जरूर कर लेना, बहुत काम का एप्लीकेशन है। डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करने बाद जो वीडियो भी एक नंबर में सर्च में था, जिसका लिंक अभी हम लोग कॉपी किए हैं, उस लिंक को यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर वीडियो का लिंक मांग रहा है, पेस्ट किए हैं। अब यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करोगे यहाँ पर क्या आ रहा है, वीडियो डिटेल यहाँ पर देखो सारा गया। इस वीडियो का व्यूज दिख रहा है, इस वीडियो का लाइक दिख रहा है। आप दोस्तों इस वीडियो को सजेशन भेजने के लिए देखो सारा यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो ट्रिक लगाएगा सारा कुछ यहाँ पर दिख गया है। क्या ट्रिक है तुम ध्यान समझो, देखो इसका पूरा डिटेल यहाँ पर है। उसके बाद इस वीडियो में देखो चार हैशटैग यूज किया गया, चारों हैशटैग यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ कीवर्ड आपको दिख रहा है, ये सारे कीवर्ड आपको दिख रहा है। अब दोस्तों हम करेंगे क्या तुम ध्यान समझिए, जो एक नंबर पर वीडियो सर्च में आ रहा है, जो एक नंबर वीडियो सर्च में था उसके वीडियो पर आने बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करोगे। देखो क्लिक किया है, ये व्हाइट है, देखो ये कलर इसका चेंज हो गया, ठीक है। चेंज होने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर कॉपी सिलेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपने वीडियो पे वाई टी स्टूडियो के अंदर, और यहाँ पर देखो टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर जाइएगा और आपको ऐड टेक्स्ट में इस तरीके से जाके आपको इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दोगे आप दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको इसी एप्लीकेशन में आ जाना है। देखो एक छोटा सा ऐड चला था, इस ऐड को ऊपर से स्किप कर लेते हैं, स्किप कर दिए हैं। अब दोस्तों देखो एक हम लोग कॉपी कर लिए, अब दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे, इसको हटा के दूसरे वाले पर क्लिक करके आपको कॉपी सिलेक्ट पर क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको अपने वीडियो पर आके इस तरीके से पेस्ट कर देना है। वहाँ पर जितना भी कीवर्ड दिखाई दे रहा है सारे कीवर्ड को आपको लाइन से यहां पर डाल देना है। तो दोस्तों देखो जितना भी यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है सारे टेक्स्ट को अपने वीडियो में ऐड कर दिए। लास्ट टेक्स्ट बचा हुआ है, देखो इसको भी यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से पेस्ट करके इसको लगा दिए। आपको भी टेक्स्ट को, सारे टेक्स्ट को कॉपी करके आपको लगा देना है। जो पहले नंबर में वीडियो सर्च में था उसके वीडियो का टेक्स्ट को आपको लगा देना है। इतना काम कर लोगे आप दोस्तों, आपको क्या करना है ध्यान समझिए, अब आपको यूट्यूब पर चल जाना है। देखो जो एक नंबर पर वीडियो सर्च में आ रहा था ये वाला, इस वीडियो का टेक्स्ट जितना भी था सारे टेक्स्ट को हम अपने वीडियो में यूज किए, जिससे मेरा वीडियो ज़्यादा रैंक कर पाए, ठीक है। अब दोस्तों आपको ट्रिक क्या लगाना है ध्यान समझिए, जो दो नंबर पर वीडियो देखेगा, जो तीन नंबर वीडियो देखेगा उस वीडियो के साथ क्या करोगे। जैसे मान लो इस वीडियो पर हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने बाद अब हम क्या करेंगे ध्यान समझो, देखो यहां पर जो शेयर का ऑप्शन आ रहा है ना इस वीडियो पे, इस वीडियो को हम शेयर पे क्लिक करके कॉपी पे क्लिक कर देंगे। कॉपी पे क्लिक कर दिए, देखो इस वीडियो का भी लिंक को यहां से हम कॉपी कर लिए। अब ध्यान समझना, यही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर ट्रिक को लगा दिए तो भाई आपके वीडियो में व्यूज लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो फिर से वाइट टूल एप्लीकेशन में आ गए, जो पहला वाला लिंक था उस लिंक को आपको हटा देना, ऊपर से हटा दिए हैं। अभी जो हम लोग तीसरे वीडियो का लिंक को कॉपी किए, उस वीडियो का लिंक को डाल के यहां पर ऊपर में गो पे क्लिक करेंगे। एक छोटा सा यहां पर ऐड आ रहा है, इस ऐड को स्किप करते हैं। तो दोस्तों ऐड को स्किप होने के बाद देखो यहाँ पर वो भी फिर से क्लिक कर देते। क्लिक करने के बाद देखो ये वाला वीडियो जो था, इस वीडियो पे 44,000 व्यू था। अब इस वीडियो का जितना भी डिटेल है सारा डिटेल यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों क्या करना है, इस वीडियो के अंदर देखो जो जो इंपॉर्टेंट हैशटैग को लगाया गया, इस तरीके से आप लोग क्लिक करना, जो जो इंपॉर्टेंट हैशटैग आपको लगेगा इस तरीके से क्लिक करना, और क्लिक करके या तो सारे हैशटैग को, चार पाँच हैशटैग को यूज किया ही गया, सारे हैशटैग को भी क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके हैशटैग आप कॉपी कर लेना। कॉपी करने बाद आपको आ जाना है वाई टी स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर। आने बाद देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपके वीडियो का जो रहेगा ना, जहाँ पर आप हैशटैग लगाए हो नीचे में, आपको उसी हैशटैग के जस्ट नीचे में थोड़ा सा इसको डाल देना है। डाल दोगे अब क्या होगा, उस वीडियो से भी आपका वीडियो लिंक हो गया, ठीक है। पहले वीडियो से हम लोग लिंक कर लिए हैं, अब जो दूसरे नंबर पे, जो तीसरे नंबर वीडियो है उससे लिंक कर रहे हैं, ठीक है। देखो इस वीडियो में भी देखो बहुत सारा कीवर्ड है, ठीक है। अगर इसमें से कुछ कीवर्ड लगेगा जो कि एक्स्ट्रा डाला गया, जो पहले वीडियो में नहीं था, उस कीवर्ड को आप लोगों ने टेक्स्ट में ऐड कर देना, नहीं तो आपको जो भी कीवर्ड लगेगा जो काम का, इस तरीके से आप लोग क्लिक करना। देखो ये चार पाँच कीवर्ड पर हम लोग क्लिक किए हैं और यहाँ पर कॉपी सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे, चारों पाँचों एक बार में कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अपने वीडियो पर आके क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद जो कीवर्ड हम डालते हैं योर क्यूरीज में या तो यूट्यूब सर्च में, उसको यहाँ पर लास्ट में लगा के इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना है और आपको एक सही टाइम देखना है, इस तरीके से करके सब कुछ एकदम कर देना है, जितना भी आपको दिखा रहा हूं। जिस वीडियो को सजेशन अपने वीडियो को भेजना चाहते हो उस वीडियो के साथ ही आपको ऐसा करना, ट्रिक लगाने के बाद आपके वीडियो पे 100% नहीं 101% व्यूज आएगा। लेकिन दोस्तों एक गलती आप लोग कर दे और एक प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा होता है, जो कि आपको पता नहीं होता कि आपको किस टाइम पे अपने वीडियो को पब्लिश करना चाहिए। अगर गलत टाइम पे अपने वीडियो को पब्लिश कर दिए तो आप कितना भी ट्रिक लगा लो
आपके वीडियो में व्यूज नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने बजे आपको वीडियो को पब्लिश करना है जिससे आपका वीडियो 100% वायरल होगा। दोस्तों आपको करना क्या है, जो आपके कैटेगरी के जो बड़े यूट्यूबर हैं जिनके वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज आता है, जिनके व्यूज को आप चोरी करना चाहते हो, उनके ही टाइमिंग पे आपको अपने वीडियो को अपलोड कर देना है। उसके आधा घंटा पहले भी अपलोड कर सकते हो या तो आधा घंटा बाद भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपको उसी टाइमिंग के लमसम ही आपको अपलोड करना है। बस इतना काम कर दो आपका वीडियो पर 100% 101% व्यूज आएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया। तो मिलते हैं इसका कमाल सा फ्रेश वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में।